जन सुझाव कार्यक्रम जो पिछले 5 वर्षों में और जब से देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से लेकर जो प्रमुख रूप से जो कार्य जनता को समर्पित किए गए हैं, उसको लेकर आज इस क्षेत्र के पूरे 29 विधानसभाओं में जो ये बैठ जाने वाली है, उसके शुभारंभ अवसर पर अभी आप सब जिनको सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय बंशीधर भगत जी, प्रदेश महामंत्री आदरणीय सुरेश भट्ट जी, जिला अध्यक्ष प्रदीप जी, और आज विशेष रूप से जो पूरे हमारी विजय संकल्प यात्रा जिसका अभी जल्दी हमारा शुभारंभ होने वाला है, उस यात्रा के पूरे संयोजक के नाते पूरी योजना रचना करने वाले आदरणीय ज्योति प्रसाद गंगुला जी, मंच पर विराजमान जिला पंचायत की अध्यक्षा देवी तोलिया जी, संचालक प्रदीप जी एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, हमारे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो क्योंकि आज बहुत शॉर्ट नोटिस का यह कार्यक्रम है, अब मुझे बहुत सारे कार्यक्रमों में जाना है और आप सबसे भेंट हो जाए, क्योंकि आज कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं अपने आप को भी रोक नहीं पाया। जब मुझे बताया कि आप सबके बीच में कार्यक्रम होना है, तो मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से सबका अभिनंदन करता हूं, मैं सबका प्रणाम करता हूं। जैसा आप सब जानते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं यहां पर बोलने के लिए, बोलना जितना बोला जाए उतना कम है। मोदी जी के सरकार में जितने काम हुए हैं या हमारे उत्तराखंड की सरकार में जितने काम हुए हैं, देखिए बहुत सारी बातें आती हैं। चुनाव के समय में बहुत सारे राजनीतिक दल आपके बीच में आ रहे हैं जो पिछले 4.5 वर्षों से दिखाई नहीं देते थे, आज तमाम प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसके समय में तमाम भ्रष्टाचार हुआ, तमाम घोटाले हुए, चाहे शराब के काम हो चाहे दूसरे काम हो, सारे उल्टे पुलटे काम हुए हैं। जनता भली भांति उनको जानती है। जैसा अभी आदरणीय मदन जी कह रहे थे, एक तरफ आज इस मंच के माध्यम से हमने अपना नायक खोया, हमारे 13 वो सैनिक जो वीर योद्धा जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश होने से दुर्घटना में जिनका निधन हुआ, पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। हमारे उत्तराखंड के हर बच्चे से जिनका लगाव रहा है, उत्तराखंड के बारे में जिन्होंने बहुत सारे सपने सोचे थे, लगातार आगे बढ़ाने का उत्तराखंड को उनका एक विजन था, जनरल बिपिन रावत जी उनका उधर अंतिम संस्कार हो रहा था और दूसरी तरफ एक राजनीतिक दल के लोग महोत्सव मना रहे थे। शर्म आनी चाहिए, आखिर ये इस देश के अंदर रहते हैं? इस देश के अंदर केवल वो शरीर से रहते हैं, उनकी आत्मा कहीं और बसती है, इसलिए वो उनको देश के सलाहकारों से कोई लेना देना नहीं है। देश की आजादी के बाद इस देश के अंदर लगातार 60 वर्षों तक एक पार्टी का शासन रहा है और 60 वर्षों में से भी लगातार 55 वर्षों तक एक परिवार का शासन रहा है और उन्होंने हमेशा, चाहे यहां का जनमानस हो, चाहे यहां की गरीबी हो, चाहे यहां की हमारी सेना हो या हमारे शहीद हो या देश के साथ समझौते करने की बात हो, उन्होंने समझौतों पर समझौते किए हैं। देश की सेनाओं ने जो युद्ध के मैदान में जीते, वो सारे के सारे युद्ध उन्होंने टेबल पर हार कर छोड़ दिए। ऐसे लोगों को देश के उन शहीदों से कोई मतलब नहीं हो सकता, उनसे उनकी आत्माएं नहीं जुड़ी है, उनसे उनका दर्द नहीं जुड़ा है। आप बताइए, मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, एक तरफ जनरल साहब की अंतिम संस्कार हो रहा है और दूसरी तरफ नृत्य हो रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा टेलीविजन पर, गोवा में चुनावी कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है, आखिर शर्म आनी चाहिए। तो इसलिए फैसला करना है आपको, एक तरफ आप नरेंद्र मोदी जी के रूप में, हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसको आज पूरी दुनिया मान्यता दे रही है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज सशक्त हो रहा है, आज शक्तिशाली भारत बन रहा है, स्वाभिमानी भारत बन रहा है, गौरवशाली भारत बन रहा है, जिस भारत की हम कल्पना करते थे, भारत विश्व गुरु होगा, भारत जगत गुरु होगा,
भारत पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करेगा। ऐसे भारत का निर्माण आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी योजनाएं, 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं की यहां पर उन्होंने जो है आज तक यहां पर स्वीकृति हमको प्राप्त हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को यहां आने वाले हैं, हमारे इसी कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले हैं। उस दिन भी 1,000,000 करोड़ की योजनाओं का वो शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। हमने भी लगातार बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, बहुत सारे पिछले 5 महीने के कालखंड में मुझे भी आप सबके बीच में से, आप ही सब कार्यकर्ताओं के बीच में से, आप जनमानस में से एक सैनिक के बेटे को सेवा करने का अवसर मेरी पार्टी ने दिया है, माननीय मोदी जी ने दिया है। लगातार जितना समय मिला है हमने कोशिश की है कि एक एक पल और एक एक क्षण अपनी मातृभूमि के लिए लगाऊं। 1,25,00,000 हमारे सभी भाई बहनों को समर्पित करूं। उसमें बहुत सारे फैसले लिए हैं, बहुत सारे फैसले ही नहीं लिए, फैसलों के साथ साथ उन फैसलों के हमने शासनादेश भी जारी किए हैं। वित्तीय प्रबंधन करते हुए धरातल पर भी उनको उतारने का काम किया है। 2025 में जब हम उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती वर्ष का समारोह मना रहे होंगे, यानी कि जब 25 वर्ष का उत्तराखंड होगा, तो 25 वर्ष का उत्तराखंड ऐसा उत्तराखंड जो समूचे भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य होगा, उसका हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं। आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से मुझे पूरा भरोसा है कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मिला है। आपने हमेशा मोदी जी का साथ दिया है, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। आपका ये भरोसा और ये आशीर्वाद आगे भी बना रहेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अटल होकर कह सकता हूँ कि विकल्प रहित संकल्प का जो हमारा मंत्र है वो मंत्र चरितार्थ होगा, उस मंत्र पर हम आगे चलेंगे। आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि मेरे पास बोलना बहुत है लेकिन समय की मर्यादा है, एक अन्य कार्यक्रम में भी जाना है, अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप सबको मैं आमंत्रित भी करता हूँ उस कार्यक्रम के लिए। जहाँ भी होगा आप सब लोग आएंगे और प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो निश्चित रूप से तो हमको कोई बड़ी योजनाएं, बड़े सौगात, बड़े विकास के कार्य वो यहाँ पर देकर जाने वाले हैं और उनको सुनना, उनको देखना, उनको मिलना निश्चित रूप से ऐसा अवसर हमारे सामने है। मैं उसके लिए आप सभी को आमंत्रित करते हुए, आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की।